हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शावेस खान और आज हम देने वाले हैं प्रॉपर रिव्यू अपने ग्रेन जीरो फूड का, जो कि दोस्तों हमें ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। 20-21 दिन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इसके बहुत सारे हमने पैकेट्स भी कंज्यूम करवा दिए हैं अपने कैट्स को। और दोस्तों जिनको नहीं पता, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हम बता देते हैं कि रिव्यू जो है किस बेसिस पे। ये रिव्यू है हमारे इश्यू ब्राउनी मैक्स सिम्बा टॉम, साथ में जेरी और क्रिस्टल, जो कि थंबनेल में है, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं, अभी वो नीचे सो रहे हैं। रात के बज रहे हैं 1। ये रिव्यू मुझे बनाना पड़ रहा है। टाइम शेड्यूल थोड़ा बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा रात को ही क्यों ना वीडियो बना ली जाए। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या हम इस फूड को खिलाएं नहीं खिलाएं। तो दोस्तों जो हमारा पहला रिव्यू था, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, जो सब्सक्राइबर जो ये वीडियो देख रहा है, जो ऑलरेडी सस्ता बजट फूड खिला रहा है, जैसे कि ड्रूल्स, प्योर पैट, म्याऊ, विस्कस, बहुत सारे जो बजट कैट फूड है मार्केट में अवेलेबल है, तो वो इस पैकेट फूड पे स्विच कर सकता है थम्स अप एस फूड को। ठीक है, अब जो क्वेश्चन रह गया था वो रह गया था रॉयल कैनिन, जो ऑलरेडी अच्छा फूड अपनी कैट को खिला रहा है, और क्या वो इस पे स्विच कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि ये मेरे हाथ में पैकेट फूड है, तो ये ग्रेन जीरो ब्रांड का नेम है। तो ग्रेन जीरो के दोस्तों, एक तो ये मेरे हाथ में जो है पर्शियन एंड लॉन्ग कोट है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका एक ऑल ब्रीड्स वाला भी आता है, और एक मदर एंड किटन आता है, जो कि स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो दोस्तों जो सबसे एक्सपेंसिव वाला है वो यही है, 358 रुपी, 430 रुपीज़ इसकी MRP है, और ये आपको इजीली डिस्काउंटेड रेट पे 350-380 रुपये तक का मिल जाएगा मार्केट में, क्योंकि अभी ये नया फूड है तो इस पर डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, और जो इसका ऑल ब्रीड वाला है, जो आप किसी भी ब्रीड को खिला सकते हैं, अगर आपके पास लॉन्ग हेयर नहीं, जैसे इंडियन कैट है या फिर किसी भी पर्शियन कैट को भी खिला सकते हैं, तो वो दोस्तों वो इससे 50 रुपये सस्ता है MRP। और जो इसका किटन वाला है वो इसी रेंज का है। तो दोस्तों जैसे कि इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो इसका प्राइस आपको 350 रुपीज़ पर 1.2 kg, 1 किलो से भी 200 ग्राम ज़्यादा है, पर 1.2 kg आपको 350 रुपीज़ का ये पड़ने वाला है इंडियन मार्केट में। और दोस्तों इस रेंज में बताऊँ तो मैं रूल्स आता है और प्योर पेट आता है, मतलब इसके आसपास ही आते हैं विस्कस और आपका म्याऊ, थोड़ा इससे एक्सपेंसिव है, 50-100 रुपये का डिफरेंस है, 100-150 रुपये का डिफरेंस है। तो दोस्तों ये क्या चीज़ ऐसी प्रोवाइड करता है जो कि आपको इस फूड पे स्विच करना चाहिए। तो दोस्तों पहले मैं आपको पूरी पैकिंग दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से ये पैकेट है 1.2 kg का, यहाँ पे इसकी MRP है 430 रुपये। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है दोस्तों, एक तो इसकी पैकिंग बहुत प्रीमियम है। अगर जो चीज़ प्रीमियम होती है तो दोस्तों जाहिर सी बात है उसके पैकेट से ही पता लग जाता है कि ये क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं इसमें हो है, ये देखिए इसके अंदर ये एयर टाइट वाला पैकेट है, मतलब 1 किलो में भी आपको एयर टाइट कंटेनर मिल रहा है। आप इसे ऐसे जिप लगा सकते हैं, मतलब जिप एयर टाइट कर सकते हैं, इसमें टाई दे रखी है। इसे आप करने के बाद, बेटा हटो, इसे करने के बाद आपके जो फूड में से स्मेल निकल जाती है या फिर वो सील जाता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपकी कैट ये फूड इजीली खाएगी, क्योंकि ये एयर टाइट हो जाता है इसे लगाने के बाद। अब दोस्तों खासियत क्या है, पहले मैं आपको फूड दिखाता हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसका टेक्सचर है। अब देखिए फूड लाते के साथ ही इन्हें बस खाने की पड़ गई है। ये देखिए ये स्टार शेप में ऐसा कुछ फूड होने वाला है, जो कि मैं दिखाऊं तो मैक्स जो कि मैं दिखाऊं तो मेरी कैट्स को पसंद आ रहा है, और ऑलरेडी ये 21 दिनों से यही फूड खा रहे हैं। लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया जल्दी रिव्यू दिखाइए, तो मैं इसका 21 दिन का रिव्यू लेके आ गया। ऑलमोस्ट 1 मंथ ही हो जाएगा जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी, तो मैंने ये अभी नीचे रख दिया, और ये बहुत शौक से खा रहे हैं। ये मेरे और कैट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत चेयर पर बैठा हुआ है टॉम, टॉम ये अभी बिजी है ग्रूमिंग में।
और ये है ब्राउनी, बाकी क्रिस्टल और जेरी नीचे। तो दोस्तों ये जो फूड की खासियत है वो ये है कि इसके अंदर ये देखिए 48% रियल मीट का इस्तेमाल करा गया है, नो कॉर्न, नो व्हीट, नो सोया, ठीक है, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड जो कि सारे फूड्स में होते हैं, लेकिन ये जो नो कॉर्न और नो व्हीट सोया, ये सब चीज़ बहुत मैंडेटरी होती है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी कैट फूड के लिए, और ख़ास करके बजट कैट फूड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई बाय प्रोडक्ट्स नहीं है, 48% रियल मीट है इसके अंदर। बाय प्रोडक्ट मतलब जैसे किसी फूड में चिकन का इस्तेमाल हुआ है तो चिकन के मीट के बजाय उसके मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं उसे इस्तेमाल करने को कहते हैं बाय प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों ये देखिए, बहुत सारे जो बजट फूड कंपनीज हैं वो मतलब गड़बड़ कर देती हैं, अपने कैट फूड में आर्टिफिशियल कलर डाल देती हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 0 प्रिजर्वेटिव्स, 0 आर्टिफिशियल कलर, 100% नेचुरल और 0 बाय प्रोडक्ट्स, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। तो दोस्तों इसी के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है, क्या मेरी कैट्स जो ये खाने वाली हैं और जो ये ऑलरेडी खा रही हैं क्या ये सेटिस्फाइड है, तो आप देख सकते हैं ये सेटिस्फाइड है। तो दोस्तों अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे, क्या हमें स्विच करना चाहिए रॉयल कैनाइन से इस फूड पर। तो दोस्तों हाँ, आप स्विच कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें और रॉयल कैनाइन में क्या डिफरेंस है, देखो दोस्तों इस रेंज में अगर हम कंपेयर करें तो रॉयल कैनाइन का फिट 32 आता है, जो कि फिट 32 भी बहुत महंगा है, 2 किलो 1250 का आता है, और ये 2.5 किलो आ जाएगा आपका 700 रुपये का। तो दोस्तों रॉयल कैनिन फिट 32 जो सबसे सस्ता वाला है वो भी इससे 2 गुना प्राइस पे महंगा है, और उसमें भी वहाँ 48% रियल मीट नहीं होता, उसमें बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उसमें कॉर्न और व्हीट भी होता है उसके इंग्रेडिएंट में। तो दोस्तों फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फूड बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें रॉयल कैनाइन के फॉर्मूला से, क्योंकि दोस्तों फॉर्मूला की बात अलग होती है, इस फूड में क्या डाला है अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये यूएसए में फॉर्मुलेटेड हुआ है, ये भी इस पे लिखा हुआ है, लेकिन यूएसए में किटियम भी फॉर्मुलेटेड था, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा फूड नहीं लगा हमारे किसी कैट को, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं था। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या हमें स्विच करना चाहिए, तो दोस्तों हाँ, अगर आपको बजट इश्यू है, आप रॉयल कैनिन नहीं परचेज कर पा रहे, आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन साथ में मेरी तरह आपको होममेड फूड भी अपनी कैट को देना है, ये नहीं कि इस पे ही निर्भर रखना है। अब दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, स्विच जब करते हैं फूड को तो बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिनसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे रॉयल कैनिन फिट 32 पे अगर आप किसी और फूड से स्विच करते हैं तो आपकी कैट को डायरिया के इश्यू बिल्कुल भी नहीं आने वाला, लेकिन जैसे कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है इस फूड में, तो दोस्तों मैंने क्या नोटिस करा कि मेरी कैट को वैसे सारी फूड्स की हैबिट है, मैं मतलब इतना मतलब लॉन्ग प्रोसीजर नहीं लेता, मैं थोड़ा सा मिक्स करता हूँ फिर अपनी कैट को देना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि ये एक फूड खाते ही नहीं है, ये होममेड भी खाते हैं, और अलग अलग टेस्ट के लिए मैं चेंज करता रहता हूँ फूड, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी हमें करने होते हैं। तो इस फूड में मैंने देखा कि आप अगर सडन चेंज करते हैं तो आपकी कैट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, तो आपको एकदम नहीं चेंज करना। वैसे हर फूड पे लिखा रहता है कि आपको कैसे चेंज करना है, ये देखिए ये साइड में आपको मिल जाएगा, डे 1 पे आपको 10% मिक्स करना है ओल्ड फूड के साथ, फिर डे 2 पे 20%, ऐसे करते करते 7 डेज पे आप 100% इस वाले फूड पे अपनी कैट को स्विच करवा सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन बहुत ईजी होता है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा अपने जो करंट फूड है उसके साथ इस फूड को मिक्स करें और आपकी कैट इजीली स्विच हो जाएगी, आपकी कैट जैसे ये इश्यू है ये इजीली स्विच हो जाएगी कोई भी कैट इस फूड पर। तो दोस्तों आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा, अगर आप रॉयल कैनाइन फीड कर रहे हैं तो आप इस पे स्विच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रॉयल कैनाइन का जो फॉर्मूला है वो उसे मैं कहूँगा, अगर ये 19 है तो वो 20 है, मतलब वो थोड़ा अच्छा फॉर्मूला है जो कि कैट को सपोर्ट ज़्यादा करता है और उसकी हेल्थ पे भी। वैसे मैंने जो देखा है मेरी कैट के कोट में ज़्यादा फर्क नहीं आया, क्योंकि देखिए दोस्तों सीजन चेंज हो रहा है तो ये श्रेडिंग फेस है, ठीक है, इसमें बाल टूटते ही टूटते हैं, कोई सा भी कितना भी अच्छा कैट फूड खिला लीजिए इसमें टूटने ही टूटने। अभी मैंने सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं करा, पहले इनकी ट्रिमिंग करूँगा, तो उसके बाद
हम सप्लीमेंट शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पूरे कपड़ों पे, अगर कैमरा में दिखाई दे रहा हूँ, बाल बाल हो रहे हैं। ठीक है, मैं अगर दिखाऊँ हाथ लगा के, ये देखिए, शायद कैमरा में नहीं आ रहा, लेकिन इनके बहुत बाल टूट रहे हैं क्योंकि अब सर्दियों से गर्मी आ रही है। तो कितना भी अच्छा फूड खिला लीजिए, आपको सप्लीमेंट साथ में यूज़ करना पड़ेगा। मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप केयर कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कैट की हेयर ग्रोथ कैसे इंक्रीज हो सकती है। बाकी इस फूड को आप दोस्तों, बहुत अच्छा फूड है, बहुत अच्छा फूड है। अगर बजट में आप कहीं कोई फूड देख रहे हैं, है ना, बजट में आपको कोई फूड चाहिए, तो दोस्तों इससे अच्छा फूड मार्केट में इस टाइम अवेलेबल फिलहाल नहीं है, कोई भी फूड। और सबसे बड़ी बात, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, कैट्स को बहुत पसंद है। अभी आपके सामने मैंने यहाँ डाला था अनकट वीडियो, यहाँ पे देखिए ये सब मिलके खा गए फूड। ठीक है, इन्हें ये फूड बहुत पसंद है। तो दोस्तों आप किसी भी फूड से इस फूड पर स्विच कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से। ठीक है, आपको एकदम स्विच नहीं करना, आपको थोड़ा थोड़ा मिक्स करके अपने करंट फूड में फिर इसे स्विच करना है। और सबसे अच्छी बात है, ये इजीली अवेलेबल है इस टाइम दिल्ली गाज़ियाबाद में, इजीली मिल जाता है। नहीं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को कोई सवाल है, ये देखिए, ये हमारा बैट फाड़ा है और ये इन्होंने हालत कर रखी है। अगर किसी को कोई सवाल है तो हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पे हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मैं कहना चाहूँगा ग्रेन ज़ीरो थम्स अप आपके लिए, आपने बहुत अच्छा फूड निकाला है। और सबसे अच्छी बात यह, इस महंगाई के ज़माने में अब हमें एक अच्छा फूड मिल गया है जो हम अपनी कैट्स को दे सकते हैं। लेकिन फिर भी 100% ड्राई फूड पे कभी भी निर्भर नहीं रहिए, होममेड फूड ज़रूर दीजिए। मैंने अपने चैनल पर रेसिपीज डाल रखी हैं, तो होममेड फूड ज़रूर दीजिए, जिससे कि आपकी कैट को डिहाइड्रेशन ना हो और वो हेल्दी रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट।